बाल हक्क चळवळीचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते भारताचे कैलास सत्यार्थी आणि पाकिस्तानची मलाला युसुफ जाई यांचा जगभरातल्या सर्वोच्च अशा नोबेल पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला. नॉर्वेची राजधानी ऑस्लो इथं या दोघांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 11 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा हा पुरस्कार दोघांना विभागून देण्यात आलाय. सोहळ्यासाठी नॉर्वेसह विविध देशातील नागरिक हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित होते. बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या कैलास सत्यार्थी यांनी भारतीय पित्याला पाकिस्तानी कन्या मिळाली आणि पाकिस्तानी कन्येला भारतीय पिता मिळाला अशा भावुक शब्दात मलालाबाबत भावना व्यक्त केल्या. तर नोबेल पुरस्काराचा निधी पाकिस्तानात शाळा उभारण्यासाठी वापरणार असल्याचा निर्धार शिक्षणाच्या प्रसारासाठी झटणाऱ्या मलालानं व्यक्त केला. मैं शांति और मानवता के इस पवित्र मंच से वेद के एक मंत्र को उच्चारित करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं. इस मंत्र में एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी कामना और एक ऐसा संकल्प निहित है जो विश्व को मनुष्य जनित त्रासदियों से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखती है. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते. हम सभी साथ साथ चलें, आर्थिक तरक्की और विकास के रास्ते में दुनिया के दक्षिणी छोर से उत्तर तक और पूर्वी छोर से पश्चिम तक हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए, हम में से कोई भी बिछुड़ ना पाए. हम सभी साथ साथ बोलें, साथ साथ चिंतन करें और साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का सृजन करें जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके. आज मैं सबसे पहले अपने स्वर्गवासी माता पिता को, स्वर्ग से भी महान अपनी जन्मभूमि भारत को और समस्त धरती माता को बहुत विनम्रता से नमन करता हूं. मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आजाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं. मुक्ति की पहली मुस्कराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कराते हुए देखा है. Today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthens and inspires me. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which we strongly believe is the true message of Islam. And also, thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. I'm proud
Well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. I dedicate the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund to help give girls quality education everywhere, anywhere in the world, and to raise their voices. The first place this funding will go to is where my heart is, to build schools in Pakistan, especially in my home of Swat and Shangla. In my own village, there is still no secondary school for girls. And it is my wish and my commitment and now my challenge to build one so that my friends and my sisters can go there to school and get quality education, and they get this opportunity to fulfill their dreams. This is where I will begin, but it is not where I will stop. I will continue this fight until I see every child in school. Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढे।